मेरी बेटी, ये शब्द भी ना बड़ा प्यारा लगता है, और तुम हो भी बड़ी प्यारी सी। कैसी हो? अब तुम कहती कि भैया के लिए इतना कुछ कहा, मेरे लिए कुछ नहीं। अरे भैया तो तुम्हारा बुद्धू है, तुम तो मेरी होशियार बेटी हो, सब समझती हो। खैर तुम्हें यह शिकायत नहीं होगी, मेरा ये पत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है। बाकी सब तो वही है, पर कुछ बातें हैं जो शायद अलग से कहनी चाहिए तुमसे। मेरी बेटी, एक बेटी का पिता अपनी जिंदगी में बड़ी तेजी से तरक्की करता है, पर तुम्हें शायद ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जब हम एक बेटी का पिता बनते हैं तो पिता की सारी लापरवाही, फिजूल खर्ची, बुरी आदतें सब छूटने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो हम तरक्की करने लगते हैं। शायद इसीलिए बेटी लक्ष्मी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है बेटा एक बेटी का पिता होने के बाद। मेरी बेटी, आज तुम जिस उम्र में हो, मैं उस उम्र से गुजर चुका हूं। यह उम्र वो है बेटी जिसमें तुम अपने हुनर को संवारती हो, सीखती हो और उसे दुनिया के सामने रखती हो, और वही छवि तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए बनती है। और बेटी, मैंने ये सब कुछ तुम्हें सिखाया है, कोशिश की है, चाहे फिर वो मेरी डांट में रही हो, मेरे रूखे व्यवहार में रही हो, या मेरे प्यार में। मेरी बेटी, यदि दुनिया में सोना है तो सोने जैसा मढ़ा हुआ भी बहुत कुछ है। कभी भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना, और ये याद रखना, मिलावटी चीजें अक्सर खरी चीजों से ज्यादा आकर्षक लगती हैं। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, गलतियां हो तो घबराना मत, क्योंकि कोई भी सब क्षेत्र में पारंगत नहीं होता। कुछ हुनर हम में होता है तो कुछ सीखना पड़ता है, और सीखने में गलतियां वाजिब हैं। बेटी, कभी ज्यादा भावुक मत रहना, बड़ी सतर्कता से बातों को समझना। बेटी, तुम जितना तरक्की करोगी मुझे खुशी होगी, लेकिन तरक्की के फेर में अपने अच्छे चरित्र और संस्कारों को मत खोना, वरना एक समय के बाद तुम पीछे नहीं आ पाओगी, उलझ जाओगी। मर्यादाएं तुम्हारे आचरण में नियम डालती हैं बेटा। बेटी, तुम जिसे पसंद करो और वहां तुम्हारी कद्र ना हो, वहां तुम खुश नहीं रह सकती। याद रखना, तुम्हें प्यार, तुम्हारा ख्याल सिर्फ वही रख सकता है जिसको तुम्हारी खूबियों की सख्त जरूरत हो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट हो। मुझे पता है ये सब तुम बखूबी समझती हो, होशियार बेटी हो तुम मेरी। लेकिन बेटी, कुछ बातें जो शायद हर पिता के मन में चलती हैं, जिसे कभी वो कह नहीं पाता, मैं वो तुमसे कहना चाहता हूं। मेरी बेटी, मैं कभी कभी डर जाता हूं। मेरी बच्ची, जब मैं आजकल की बेटियों को गलत रास्ते में जाते हुए, संस्कारों को कुचलते हुए देखता हूं तो डर जाता हूं बेटा। और तब जल्दी से तुम्हें देखता हूं, मन में तुम्हें जोर से गले लगाता हूं, जोर से राहत की सांस लेता हूं और आंखें बंद कर लेता हूं, और अपने मन को भरोसा दिलाता हूं कि तुम उस भीड़ में से अलग हो। और फिर मैं खुद से पूछता हूं कि मैंने कुछ सिखाने में लापरवाही तो नहीं की, और जो नियम मैंने तुम्हें सिखाए, कहीं वो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे हुनर को दबा तो नहीं रहे। और फिर तुम्हारी तरफ देखता हूं और तुम्हारी एक मुस्कुराहट जैसे कहती है, पापा आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो, आप जैसा सोचते हो ना मैं वैसी ही हूं। मेरी बेटी, तुम्हारी हर पसंद की मैं कद्र करूंगा, लेकिन अपनी पसंद में मेरे फैसले को भी जगह देना। मेरी बेटी, तुम में जो हुनर हो वो करना, लेकिन बेटी मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूं जहां मैं कभी पहुंचना चाहता था लेकिन नहीं पहुंचा, फेल हो गया, हार गया। मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। मेरी बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हर काम ये सोचकर करता था कि जब तुम पूछोगी तो क्या जवाब दूंगा। मैं एक एवरेज लड़का था बेटा, लेकिन हमेशा खुश रहता था। कोई कितनी भी मुश्किल में खड़ा कर दे, मेरी स्माइल नहीं छीन सकता था। ना कामयाबी पर लोगों की हंसी से भी गुजरा हूं, तो कामयाबी पर उनकी तालियों के बीच से भी। इसलिए मुझे दुनिया से कोई शिकायत नहीं है बेटा, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। अगर गिरा हूं तो उठा भी हूं। मेरी बेटी, एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकोगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कई रिश्ते तुमसे आस लगाए बैठे रहेंगे, और ये किरदार सिर्फ एक लड़की ही निभा सकती, सिर्फ तुम निभा सकती हो और कोई नहीं। मेरी बेटी, मुझे नहीं पता हम दोनों कब तक साथ हैं, कैसी परिस्थितियां आएंगी, इसलिए खुद को तैयार करना कि अकेले भी रह सको, कहीं भी चल सको, कभी भी डरना मत। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत, होशियार और अच्छी लड़की हो। कभी दुखी मत होना,
अगर मैं कभी सामने से ये ना कह पाऊं तो। बस बेटी, बस इतना ही कुछ कहना था। शायद हर पिता ये अपनी बेटी से कहना चाहता है। खैर छोड़ो, खामखा इमोशनल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपकी मम्मी अच्छी हैं या मैं ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है, आपकी मम्मी खड़ूस हैं, है ना? अरे सुनो, ये आपस की बात है हम दोनों की, है ना? मम्मी से मत बताना वरना बाहर भूखा सोना पड़ जाएगा। ख्याल रखना बेटी, ख्याल रखना।